तुम ही पहले अपनी हरकतें कर लो ना। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नोट सीई टू लाइट 5G स्मार्टफोन को रियलमी 9 प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि वन प्लस के अंदर हमें 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से एकदम बढ़िया वाली ले लिए ना, तब आप यहां पर Realme की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि सुपर AMOLED मिल रही है भाई, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक गेमर हैं और गेमिंग के हिसाब से डिस्प्ले लेनी है ना भाई, तब आप यहां पर OnePlus की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट एकदम स्मूथली गेमिंग करवा देगा आपको। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहां पर OnePlus का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 12.1 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरह Realme का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ में आता है जो कि Realme UI 3.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले तो यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर हमें UI में से किसी एक को चूज करना हो ना, तो यार जो OnePlus के अंदर हमें ऑक्सीजन OS दिया गया ना भाई, एकदम बढ़िया है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं चिपसेट की, तो यहां पर OnePlus के अंदर हमें Snapdragon 695 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें Dimensity 925G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर हमें दोनों में से किसी एक को चूज करना ना स्पेशली गेमिंग के लिए, तब आप यहां पर Realme की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि जो Dimensity 920 इसमें दिया गया ना भाई, तगड़ा चिपसेट है, गेमिंग आपको मजेदार वाली करवा देगा। साथ ही दोस्तों बात करें अगर एंटूटू स्कोर की, तो यहां पर OnePlus फोन का आता है 3,75,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Realme फोन का आता है 5,05,000 के करीब। यानी कि दोस्तों अगर आपको अच्छे एंटूटू स्कोर वाला स्मार्टफोन लेना है, तब आप यहां पर Realme की तरफ जरूर से जाइए। और अब बारी आती है यहां पर बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे OnePlus की। तो इस फोन का मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो डेप्थ कैमरा वो भी है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Realme फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और दोस्तों यकीन मानिए अगर आपको बैक कैमरा सेटअप के हिसाब से स्मार्टफोन लेना ना भाई, तब आप यहां पर सिर्फ Realme की तरफ जरूर से जाइए, क्योंकि काफी बढ़िया तरीके से इसके बैक कैमरा सेटअप को कंपनी ने ऑप्टिमाइज किया है भाई, काफी अच्छी फोटो और वीडियो वगैरह बना सकते हैं आप इससे, अच्छी बात है। और अगर दोस्तों मैं बात करूं मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहां पर OnePlus के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरह Realme फोन के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और यार अगर मैं बात करूं ना वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो भाई OnePlus का फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, लेकिन Realme का फोन यहां पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको एक अच्छी वीडियो स्टेबलाइजेशन वाला स्मार्टफोन लेना ना, तब भी आप यहां पर Realme की तरफ जरूर से जाइए। और अगर हम बात करें सेल्फी लवर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे आप काफी अच्छी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से आप 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट को लेकर। तो यहां पर OnePlus फोन के अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरह Realme फोन यहां पर 4500 mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 60 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यानी कि दोस्तों ऑन एंड एवरेज बैटरी और फास्ट चार्जिंग दोनों ही मामलों में यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं। और अब बारी आती है दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, साथ ही दोनों स्मार्टफोन यहां पर 5 5G बैंड्स को सपोर्ट करते हैं। 5G बैंड्स अगर 7 या 8 होते ना, तो ज्यादा बढ़िया रहता। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें 3.5 mm जैक की, तो हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर दिया गया है। और अब बारी आती है स्पीकर्स की। तो यहां पर OnePlus का फोन सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरह Realme का फोन स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और अगर हम बात करें दोस्तों सिक्योरिटी की, तो OnePlus फोन यहां पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरह Realme फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी दिया गया है। यानी कि दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में यहां पर Realme का फोन ही विनर है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि OnePlus फोन के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 20,000 रुपए, वहीं दूसरी तरह Realme फोन के 6+128GB
वेरिएंट की कीमत है 25,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, वन प्लस को या रियलमी को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों अगर आपको डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग चिपसेट एकदम बढ़िया वाला चाहिए, बैक कैमरा सेटअप और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अच्छा वाला चाहिए, तब आप यहाँ पर रियलमी की तरफ जरूर से जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आप एक वन प्लस लवर है और भाई वन प्लस का ही फोन लेना है जिसमें आपको एक नॉर्मल कंटेंट वॉचिंग प्लस गेमिंग के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है, तब आप यहाँ पर वन प्लस की तरफ जरूर से जा सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।